Hello viewers, welcome you all to VisionQ YouTube channel. So in the last video we are discussing about the simultaneous linear equation which was the part 1, ठीक है? और जहाँ पे हम लोग discuss कर रहे थे how to solve in a shortcut way those type of equation. So आज discuss करेंगे the second part of the same topic which is simultaneous linear equation और यहाँ पे कुछ applications discuss करेंगे toward problems, ठीक है? So अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच दैट पार्ट बिफोर, ओके? जिसका लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 1. सो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप टू वेरिएबल्स में यूज करके ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप वन वेरिएबल एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? एंड सम क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व फ्रॉम द ऑप्शन वेरी इजीली, ओके? सो सीरीज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, टू एग्जामिनेशन रूम्स है ए एंड बी, ओके? जिसमें आपको कुछ कंडीशंस दिया है. तो क्या कंडीशन दिया है? इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज द सेम. इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. Okay, so see in this question there are two parameters A and B. So first of all, in this question clearly there is no relationship between A and B. Okay, there is no any relationship. So agar kuch relationship diya hota, that suppose number of students in A is triple the number of students in B, in that case A depends upon B. सो आई कैन टेक द बी एस एक्स, तो ए हो जाएगा आपका ट्राइस एक्स. ये होगा अगर दो चीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप दिया होगा, ठीक है? बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. सो इसको सॉल्व करना होगा यूजिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सो सपोज ए में है एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बी में है वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके? इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी, ए में हो जाएगा आपका एक्स माइनस 10 और बी में हो जाएगा आपका वाई प्लस 10, ओके? तब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इज द सेम और इज इक्वल. तो यहां से क्या मिलेगा आपको? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20. 10 प्लस 10 इज 20. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, okay? So next, see the next case here. If 20 students are sent from B to A, तो B में कितना हो जाएगा आपका y minus 20 और A में कितना हो जाएगा आपका x plus 20. The number of students in A is double the number of students in B, okay? तो यहाँ से आपको अल्टीमेटली मिलेगा x minus twice y, ये minus 40, ये 20. So minus 20, minus 40 and minus 20 is minus 60. So let this be equation number 2. So two variables, two equations. So first equation था आपका x minus y is 20, x minus twice y is minus 60. So if I solve in a shortcut way, which I discussed in the first part of this session, तो क्या करना होगा? आपको मिलेगा first value of x, okay? So x will be expressed in the form of fraction. To find the numerator, start करना होगा y से and cross multiply. So minus 1 into minus 60 is 60, minus 2 into 20 is minus 40, और दोनों को करना पड़ेगा आपको सब्सट्रैक्ट, ठीक है? ये है आपका न्यूमरेटर. नाउ हाउ टू फाइंड द डिनोमिनेटर? आपको ऐसे आना है, ओके? दिस एंड दिस, अगेन आपको स्टार्ट y में ही करना है ऐसे. सो माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 एंड माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, देन सब्सट्रैक्ट देम. तो 60 प्लस 40 बाय 1 मतलब 100. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज ऑप्शन नंबर सी, 100 स्टूडेंट्स, ओके? सो सेम क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो. तो कैसे करना होगा देखिए अभी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई सेक द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 20, जहां पे आपको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इक्वल टू 20. तो अगर आप ए में लेते हो 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव टू सेक कि जो गिवन कंडीशंस है क्वेश्चन पे, इज द कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द गिवन ऑप्शंस. तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं ऑप्शन नंबर ए 20. सो इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी, तब ए में कितना हो जाएगा?
10 होगा, और B में कितना है हम लोग को पता नहीं है, बट यहाँ पे दिया है इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज द सेम। तो अगर A में 10 है तो B में भी 10 ही होगा। ये कब है? इफ 10 आर सेंट टू B, तो B में इनिशियली कितना होगा? जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सेक की जो नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये कंडीशन, मतलब ये ऑप्शन, ओके, ए 20 एंड बी 0। सो इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, सॉरी फ्रॉम बी टू ए, तो बी में कितना हो जाएगा? अच्छा बी में तो कोई स्टूडेंट नहीं है ही नहीं, यहाँ पे देर आर नो एनी स्टूडेंट्स इन बी, तो फर्स्ट इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर ए 80 होगा, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तब ए में होगा 70 और बी में कितना हो जाएगा? 70 होगा। ये कब होगा? When 10 students are sent to B, that means B had initially 60 number of students. If 20 students are sent from B to A, तो B में कितना हो जाएगा? 40 होगा, और A में कितना हो जाएगा? 100 होगा। Number of students in A should be double the number of students in B, तो double नहीं है, तो मतलब ये भी option नहीं है। So next check करते हैं option number C, 100. If A contains 100 number of students and 10 students are sent from A to B, then A will have 90 students and B will also have 90 because it is given that they contain same number of students. So 90 kab hoga? When 10 are sent to B, that means initially A, B contains 80 number of students, okay? Just see the second case, ki satisfy kar raha hai ki nahi. So if 20 students are sent from B to A, to B mein ho jayega 60 aur A mein ho jayega aapka 120. So clearly 120 is double of 60. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100. तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को आइदर टू वेरिएबल से कर सकते हो, ऑल्सो यूजिंग द ऑप्शंस, ओके। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टू पेन्स एंड थ्री पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 86. तो यहां पे भी है आपका टू पैरामीटर्स, पेन एंड पेंसिल। So if there is any relationship between these two parameters, then this question can be solved using one variable x itself. But there is no any relationship given between pen and pencil. So yahan pe aapko use karna hoga two variables x and y. So let the cost of one pen be x, cost of one pencil be y. So two pens and three pencils cost rupees 86. That means twice x plus twice y is equal to 86. Again, four pens and a pencil. That means 4x plus one pencil is y is equal to 112. तो यहाँ से आपको निकालना है सिर्फ cost of five pens. So for that, I have to find out the cost of one pen first, which is x. तो बस आपको निकालना है x का value. So how to find out x here? Start with y and cross multiply. So 3 into 112, आपको मिलेगा 336. माइनस 86 इंटू 186 डिवाइड बाय, अभी आपको मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे, ओके, 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू 1 इज 2, दैट मीन्स 250 डिवाइड बाय 10, तो आपको मिलेगा 25. सो एक्स वॉज द कॉस्ट ऑफ वन पेन, सो वन पेन कॉस्ट इज रुपीज 25, सो द कॉस्ट ऑफ फाइव पेन्स विल बी 25 इंटू 5 विच इज 125. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 125. क्लियर है? सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। सो डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इज न्यूमरेटर बाय 4. सो टू पैरामीटर्स के बीच में one relationship is given here. So because of that, this question can be solved easily with the help of one variable x. Okay? So denominator is depending on the numerator. So जो जिसके ऊपर depend कर रहा है उसको लेना होता है आपको x. So if the numerator is x, ये हो जाएगा आपका x plus 4. So fraction कितना होगा? x by x plus 4. Next, see what is given. If 4 is subtracted from its numerator, matlab numerator ho jayega abhi x minus 4, and 2 is added to its denominator. So pehle tha aapka x plus 4 tha, abhi 2 add kiya maine, to kitna ho jayega abhi x plus 6. New number becomes 1 by 6. So this is a simple equation in one variable. Cross multiply it and find the value of
x. तो 6x minus 24 is equal to x plus 6. That means 5x is 30. So x will be equal to 6. So x का वैल्यू 6 है एंड x इज द न्यूमरेटर. सो अगर न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, x plus 4. तो 6 plus 4 is 10. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 by 10. सेम क्वेश्चन कैन बी डन फ्रॉम द ऑप्शंस आल्सो. सी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कंडीशन दिया है आपको चेक करना है कि whether these conditions are satisfied by which option. Okay, तो the first option is 10 by 6. So given conditions are denominator is 4 more than the numerator. So ये option नहीं होगा, ठीक है. Next option में first condition satisfy हो रहा है, which is 6 by 10. Because numerator is 4 less than denominator. Okay, see if the second condition is satisfied by the same option, if 4 is subtracted from its numerator, so ye ho jayega aapka 6 minus 4 and 2 is added to the denominator, so it becomes 10 plus 2, that means 2 by 12, so kitna hoga 1 by 6, aur aapka question mein bhi 1 by 6 hi diya hai. So that means this option is satisfying both the given conditions. So इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 by 10. तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस. क्लियर है? सो देन नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो ये क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर यूपीएससी में 2019. ओके, सो बेसिकली दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ऑल्सो either from the options or using the concept of one variable x. Why? Because see here, Rakesh and Rajesh bought 10 balls and 10 rackets. So yahan pe two parameters hai, ball and racket. So agar dono ke beech mein if there is any relationship, then you can use one variable x. So yahan pe diya hai each racket costs 3 times a ball does. So racket is depending on ball. Okay, so because of that, if I take the price of one ball as x rupees, price of one racket ho jayega aapka thrice x rupees. Okay, so ye ho jayega aapka application of linear equation in one variable. Okay, so next see, he bought 10 balls and 10 rackets. So one ball x, so 10 balls hoga aapka 10x. One racket thrice x, so 10 racket ka price ho jayega aapka 30x. And he spent 1300 and Rajesh spent 1500. That means total kitna spend kiya? 1300 plus 1500 is 2800. Aur yahan pe kitna spend kiya? 10x plus 30x is 40x. So 40x equal to 2800. To x ka value kitna milega aapko? 70. Okay, x is 70. So what was x? X was price of one ball. आपको निकालना है price of a racket, मतलब one racket. तो one racket था आपका thrice x. So 3 × 70 = 210. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 210. चलिए. So because यहाँ पे दो पैरामीटर्स के बीच में one relation was given, so it is easier to solve using the concept of one variable x. Okay? Without using the two variables concept x and y. तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक मेंसुरेशन. ओके, सो सी व्हाट इज गिवन हियर. द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर. दैट मींस आपको दिया है l माइनस b इक्वल टू 23. इफ इट्स पेरीमीटर इज 206, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? Length plus breadth plus length plus breadth. आपको मिलेगा 2 × l + b. It is equal to 206. So आपको यहाँ से मिलेगा l plus b का value, which is 103. Okay. So l minus b and l plus b is given. Just add them. आपको मिलेगा value of l here. So twice l will be 126. तो l का value होगा आपका 63. Okay, put this value of L in either equation 1 or equation 2. तो अगर आप suppose first equation में L का value put करोगे, आपको B का value मिलेगा
40, ओके, बी का वैल्यू मिलेगा आपको 40, ठीक है. सो आपको निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इज 63, ब्रेथ इज 40, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2520, ठीक है. सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एल एंड बी का वैल्यू. तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. सी, सेम क्वेश्चन कैन बी डन यूजिंग वन फॉर्मूला ऑफ एल्जेब्रा. ओके, कौन सा फॉर्मूला देखिए अभी. अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया होगा ए प्लस बी, ओके, ए माइनस बी, यहां पे दिया था आपको 23 एंड आई हैव फाउंड आउट एल प्लस बी एस 103. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटू बी, बिकॉज यहां पे आपको निकालना क्या है एरिया एंड फॉर्मूला फॉर एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो एल्जेब्रा में एक फॉर्मूला है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस थ्री एक्सप्रेशंस ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए इंटू बी. एंड द फॉर्मूला इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. सो यूजिंग दिस इक्वेशन और फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ डायरेक्टली. ओके, सो ए प्लस बी, एल प्लस बी आपको दिया है 103 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी आपको दिया है 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल बी. तो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एल बी फ्रॉम हियर. तो व्हेन एवर इट इज गिवन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज यूज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो व्हाट इज ए प्लस बी, क्या मिलेगा देखिए, 103 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी. सो ए प्लस बी 126 इंटू ए माइनस बी, ओके, आपको मिलेगा 80 इज इक्वल टू 4ab. सो 4 से कैंसिल कर सकते हैं. सो आपको अल्टीमेटली एरिया मिलेगा 2520 मीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. सो दीज वर द 5 क्वेश्चन जहां पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन सम क्वेश्चंस. ओके, सम क्वेश्चंस कैन बी डन यूजिंग वन वेरिएबल एक्स ऑल्सो एंड सम क्वेश्चंस कैन बी डन फ्रॉम द ऑप्शंस ऑल्सो. तो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजन क्यू फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.